अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं बीनश काजमी आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ हेल्थ लाउंज के एक नए एपिसोड के साथ। हेल्थ लाउंज में आज जो हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है दिल। दिल माने कि हम हार्ट स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं, और इसी के हवाले से जो मेरे आज के मेहमान हैं उनने अपनी शुरुआत, अपना बचपन गुजारा बारामूला में। उनकी बेसिक तालीम जो हुई सेंट जोसेफ्स स्कूल बारामूला से हुई, उसके बाद वो जीएमसी श्रीनगर के से पढ़े और उनने अपनी मेडिसिन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमडी की डिग्री हासिल करी, और पीजी डॉक्टरल जो उनने की है वो पीजीआई चंडीगढ़ से करी, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं, उनके पेपर्स हैं, और उनके बहुत सारे उनके उनके नाम से लोगों को मालूम है कि उनने कितना अपने फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है। जो आज के मेहमान है ये 20 साल तक फैकल्टी में रहे स्किम्स सौरा में, और आखिर कुछ सालों तक वो एचओडी भी रहे। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके सामने जिनको इनवाइट कर रही हूँ, एक्स एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी स्किम्स अमराज कल्ब डॉक्टर निसार अहमद त्रंबू, जो कि खसूसी तौर पर अबूरी दिल के माहिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाहती हूँ, जब हम दिल की बात करते हैं तो लोग दिल के मर्ज की बात करते हैं कि हर हर एक नया नौजवान, बूढ़ा या नया शख्स जो है, जब वो एक वर्ड यूज करता है कि मुझे दिल का मर्ज है, तो अंग्रेजी में अगर बोलें तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, पीपल ऑफन कंफ्यूज विद द टू वर्ड्स कि ये क्या है। और आज के हवाले से अगर बात करें तो सडन कार्डियक डेथ्स जो है वो भी बहुत ज्यादा हाई एंड पे जा रही हैं, लोग बहुत ज्यादा रिपोर्टेड केसेस हैं, मगर आम इंसान को ये तीनों जो ये चीजें हैं बहुत कंफ्यूजिंग, इंटरचेंज, इंटरमिंगल करती है, ये अलग अलग है, अगर इनमें कुछ फर्क है तो क्या फर्क है, या ये तीनों चीजें एक जैसी हैं, एक से मिलती जुलती दूसरी चीज है, इस हवाले से क्या आप रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, अगर हम दिल के अमराज देखें, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें भी हार्ट की तकलीफ हो सकती है, दिल की तकलीफ होती है, उन्हें हम कंजेंटल हार्ट डिजीज कहते हैं, या कश्मीरी में कहते हैं मोरूसी तकलीफ, सॉरी, जो बचपन से तकलीफ हो जी उसको कहते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज। वो बच्चों में होता है। जी जो ही उम्र बढ़ती है एक इंसान की, लड़कपन में आता है, तो वहां पर एक तकलीफ होती है जिसको हम आम ले लैंग्वेज में रिहार कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं उसको, जी जिससे जो दिल के मुख्तलिफ वेल्व्स होते हैं उन पे असर पड़ता है। वो जैसे वो लीक करते हैं वो वाल्व्स, या तंग पड़ते हैं, तो उसकी वजह से डिफिकल्टी होती है। तो ये एक किस्म का तकलीफ है। जो जो एक इंसान बढ़ जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, तो ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ की वजह से हार्ट पे असर पड़ता है। हार्ट डिजीज ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, जिसे हम हाइपरटेंसिव कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। जो जो उम्र बढ़ती है तो डायबिटीज की तकलीफ भी हो सकती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये दोनों तकालीफ एक ही वक्त आ सकते हैं। यानी कि जिस आदमी में ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, उसमें ज्यादा चांस है डायबिटीज की तकलीफ भी हो। तो ये दोनों रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज के, हार्ट अटैक के। तो जो जो उम्र बढ़ती है, हार्ट अटैक की इंसिडेंस जी बढ़ जाती है। तो जहाँ तक हार्ट अटैक का ताल्लुक है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये जो दो डिफरेंट, जो मुख्तलिफ तकालीफ हैं, दो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं। मान लीजिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब अगर आप एक लिटरल मीनिंग समझ लें, हार्ट थम जाता है, रुक जाता है, अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट। तो जब जी हार्ट अरेस्ट होता है, तो इंसान ऑब्वियसली, अगर इस कार्डियक अरेस्ट का बर वक्त इलाज ना हो, तो इंसान मर जाता है। तो
सो सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ, ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स हैं, यानी कि ये इंटरचेंजेबल हो टर्म्स सकता हैं, मतलब एक। तो हार्ट अटैक की वजह से हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज हार्ट अटैक। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या जिसे हम ले लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं। जी तो क्या वजह हो सकती है आजकल के हालात में? आप देख रहे हैं कि एक देख रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ्स की इंसिडेंस बढ़ गई है। जी डॉक्टर दूसरी साहब, वही चीज, पहला पहले जो क्लैरिफिकेशन है, आपने कहा कि हार्ट अटैक जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मतलब हार्ट थम जाएगा, आपका हार्ट फंक्शन थम, कार्डियक अरेस्ट का एक वजह हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है। तो हाँ, मतलब हार्ट अटैक जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ा, तो वो क्या हुआ, वो कार्डियक अरेस्ट हुआ या हार्ट अटैक हुआ? कार्डियक अरेस्ट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक, ये आप जी ले ले टर्म्स में आप समझ लीजिए। यानी कि जी अगर जी किसी बंदे को हार्ट अटैक आया, द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट अटैक इज कार्डियक अरेस्ट। नहीं कि जी अगर हम वक्त भर वक्त इलाज इस हार्ट अटैक का, इस कार्डियक अरेस्ट का ना हो सका, तो ये जानलेवा हो सकता है। तो मतलब अगर हम आम कार्डियक इंसान के हिसाब से देखें तो कार्डियक कार्डियक हार्ट अटैक आपको हुआ तो आप कुछ घंटे निकाल सकते हैं, और अगर वो कार्डियक अरेस्ट हुआ तो आपके सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं, कुछ ऐसा भी होता है? हाँ, अब ये ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी बंदे में हार्ट अटैक आया तो कार्डियक अरेस्ट के ज्यादा चांसेस है। सो कार्डियक अरेस्ट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। हर एक बंदे में जिसमें हार्ट अटैक आता है, हर एक बंदे में कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। आप समझ गए जी बात? जी 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 हार्ट तो कार्डियक अरेस्ट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। अटैक। जी, तो ये आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? मतलब एक पेशेंट है, आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक उतना सिवेयर नहीं होता है, कार्डियक अरेस्ट इज अ वेरी सिवियर सिवियर फॉर्म और बाय लेवल ऑफ इट। तो अगर एक इंसान है, वो कैसे अपने में आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटलाइज होना है या कोई दवाई लेनी है, क्योंकि वो कुछ सबलिंगुअल मेडिकेशंस होती हैं जिनको हम लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं, तो वो किस हिसाब से वो काम कर सकती हैं, सेव कर सकती हैं, या एक टाइम फ्रेम बाय कर सकती हैं एक पेशेंट के हवाले से, अगर मैं ये सवाल पूछूं? देखिए, ये हार्ट अटैक का जो मसला है, इसको हम दो पहलू में से दे दो पहल वी कैन लुक एट इट फ्रॉम टू डायमेंशंस। एक तो हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज देखें कि कैसे बचा जाए इसे, वो ज़्यादा जी ज़रूरी है, क्योंकि वो कम्युनिटी लेवल पर बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल है वो सुधार दें। सो वी शुड बी एक्टिव, फिजिकली एक्टिव, वी शुड टेक हार्ट हेल्दी डाइट्स, वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है उसकी दवाई ले लें, अगर किसी को डायबिटीज है उसकी दवाई ले लें ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल हो, अगर किसी में वजन ज़्यादा है, मोटापा है, उसका अजाला करें, वजन कम जी करने जो जो कुछ भी तदाबीर है वो अपनाएं, और अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल डिस्ट्रेसिंग स्ट्रेटजीज वो अपनाएं। ठीक है, ये सारी जी चीज़ें बहुत ज़रूरी है हार्ट अटैक की तकलीफ से बचने के लिए। अब जी मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया, कैसे ये हमें समझ आए कि फलां बंदे को हार्ट अटैक आया है? सबसे जी ज़रूरी चीज़ है, अगर कोई बंदा जिसको ब्लड प्रेशर है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक्स की, डायबिटीज है, उसमें अगर कभी चेस्ट पेन हो, तो इमिजिएटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, प्रेफरेबली ए फिजिशियन। ठीक है, जी तो फिजिशियन एक ईसीजी कर लेगा, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ बायोमार्कर टेस्ट होते हैं, वो करके वो दवाई दे दें, दवाई शुरू कर देंगे।
हार्ट अटैक की इमीडिएट दवाई है, क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है ये ब्लड क्लॉट होता है, जो हार्ट की जो नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लड क्लॉट से ब्लड रुक जाता है, ब्लड 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 सर्कुलेशन हार्ट के मसल को रुक जाती जी है, तो उसी से हार्ट अटैक आता है। तो द इजिएस्ट थिंग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट एन ईसीजी डन। इफ यू हैव एन ईसीजी फैसिलिटी, फर्स्ट गेट एन ईसीजी एंड गो टू द डॉक्टर। तो जी अच्छा सर, वो इसी हवाले से अगर मैं एक सवाल पूछूं, जब आपने कहा कि चेस्ट में पेन होता है, लेफ्ट साइड में पेन होता है, आमतौर पे एक अमूमन सिम्पटम ये भी है कि लेफ्ट साइड बाजू में भी लोग कहते हैं कि दर्द होता है, तो जब राइट लेफ्ट बाजू में दर्द है, क्या वो हमेशा ही कार्डियक अरेस्ट का या कार्डियक इश्यूज का ही एक सिम्टम है या कोई और वजूहत भी हो सकती है? क्योंकि आमतौर पर जब हम यूथ की बात करते हैं, आपने कहा कि स्मोकिंग है, डिप्रेशन है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, तो उनसे भी तो आपकी बॉडी में पेन्स वगैरह हो सकती हैं, तो इंसान वो कैसे रूल आउट कर सकता है कि ये हार्ट का ही पेन है, या अगर चेस्ट पेन की बात करें तो गैस्ट्राइटिस में भी शायद चेस्ट पेन जैसा ही फील होता है, तो देखिए, हाउ हाउ इसमें डू मैं, वी चेंज हाँ, दैट? इसमें मैं दो चीजें बताऊं। एक तो टिपिकल चेस्ट पेन हो, जो लेफ्ट साइड हो या सीने के रिट्रोस्टर्नल, सीने के बीच में, मिड ऑफ द जी चेस्ट, जी जी वो क्लासिकल है। लेकिन कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशंस हैं हार्ट अटैक के, स्पेशली अगर किसी को डायबिटीज है। और कुछ हार्ट अटैक्स, उनमें एब्डोमिनल पेन होती है, अपर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग होती है, सो दिस कैन ऑल्सो बी ए हार्ट अटैक। सो द बेस्ट थिंग इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड। एनीबडी हु हैज़ अ चेस्ट पेन विच इज नॉट रिलेटेड टू यू नो समटाइम्स देयर इज स्पॉन्डिलोसिस, दे कैन हैव पेन रेडिएटिंग टू द आर्म्स। इफ देर इज नो स्पॉन्डिलोसिस, इफ देर इज देर आर नो अदर एक्सप्लेनेशंस फॉर चेस्ट पेन, तो उनमें ये बेहतर है कि वो है। या किसी को गैस्ट्राइट्स की तकलीफ है, जी मैदे में दर्द होती है, उल्टी आती है, इफ देर इज नो रिलीफ ऑफ दिस पेन, ये हार्ट अटैक हो सकता है। इन मरीजों में भी यही मेरा मशवरा है कि वो एक ईसीजी करवाएं और एक अपनी तशखीश करवाएं फिजिशियन से। मतलब ये है आपका कहने का कि अगर आपको कोई और एसोसिएटेड इश्यूज हैं तो आप पहले सेल्फ डायग्नोसिस कर लें कि आपको कोई और वजह, कोई और तकलीफ ना है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं कि आपको कार्डियक इश्यूज हैं। कार्डियक इश्यूज क्या डायबिटीज के हवाले से या किडनी इश्यूज के हवाले से, या हम कहें जेनेटिक भी हो सकते हैं, हेरिडिटरी भी हो सकते हैं, कि अगर हमारे पेरेंट्स को अगर रहा है कार्डियक इश्यूज तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमें भी हो सकता है, अगर हम उस हवाले से भी सोचना चाहें? देखिए, रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट अटैक के हैं, ऑब्वियसली अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, स्पेशली यंग हार्ट अटैक एट यंग एज, तो ये फैमिलीज में भी हो सकता है। जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वो भी तो फैमिलीज में रन करते हैं। सो ऑब्वियसली इफ समबडी हैज ए हार्ट अटैक इन द फैमिली, देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ यू नो हिम हैविंग हार्ट अटैक। जी सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, दिज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर, दिज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर गेटिंग डायबिटीज, एंड दिज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर गेटिंग हार्ट अटैक्स। सो इसके लिए हमें क्या कोई मंथली या ईयरली या 6 मंथली कोई चेकअप्स करवाते रहने चाहिए कि अगर आपके खानदान में किसी को हिस्ट्री रही है हार्ट प्रॉब्लम्स की, कार्डियक इश्यूज की, तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट है? क्योंकि ईसीजी या एको जो है हर इंसान जाके नहीं करवा पाएगा, अफोर्डेबिलिटी का भी मसला है, तो कोई ब्लड टेस्ट है, लो कॉस्ट टेस्ट की बात अगर हम करें, जिससे आप रूल आउट करवा सकते हैं कि हाउ क्लोज यू आर टू द डिजीज और हाउ फार यू आर टू सेफ्टी? देखें, सबसे पहले अगर किसी को फैमिली में हार्ट अटैक आए, फर्स्ट थिंग इज ही शुड उस बंदे को जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज है वो अपनानी चाहिए। जैसे अगर वो सिगरेट नोशी करता है, सिगरेट नोशी बंद करे, हेल्दी जी फूड्स खाए, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करे, अगर वजन ज़्यादा बढ़ गया है उसका वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, वजन घटाए। जी और अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर है,
अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर फैमिली में डायबिटीज है अपना ब्लड शुगर करवाएं, ये सारे टेस्ट तो कराने पड़ेंगे, और एक जी ब्लड कोलेस्ट्रॉल कराना है, क्योंकि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये जो मोटापा है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, दिस ऑल ऑल्सो रन इन फैमिलीज, जी सो दिस आर डॉक्टर साहब, ऑल। कोलेस्ट्रॉल में भी दो चीजें होती है ना, एक एलडीएल और एक डी एचडीएल, तो उसकी भी रेंजेस वेरिएट करती है. वन इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो भी कुछ वेरी करता है फैक्टर, कि अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम है या ज्यादा है तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की परफॉर्मेंस आपकी ब्लड क्लॉटिंग पे इफेक्ट हो सकता है. देखिए, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, आपने सही फरमाया, दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दैट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट हार्ट अटैक्स। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन है, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे, बांग्लादेश, ये सारे हैं, यहाँ पर एक अजीब किस्म की लिपिड एबनॉर्मैलिटी, जो खून में चर्बी की जो मिकदार जी बढ़ जाती है, हमारे पॉपुलेशन में आमतौर पर ये देखा गया कि एक तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा ज्यादा हद तक नहीं बढ़ जाता है, लेकिन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कम हो जाता है. और जी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, वो काफी हाई हो जाते हैं. जी जी काफी हाई हो जाते हैं। ये जो साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन है, हमारे में ये लिपिड एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, ये हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो इनके लिए एक तो कैसे ये लिपिड एबनॉर्मैलिटीज हम करेक्ट कर सकते हैं, एक तो अगर वजन ज्यादा है वो घटाएं, जी रेगुलर एक्सरसाइज करें, और जो डॉक्टर साहब दवाइयाँ दे दें, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें वो ले लें, और खास कर मैं ये फिर कहूंगा, अपनी यूथ जो है हमारी, वो सिगरेट नोशी से परहेज करें। डॉक्टर साहब, डाइटरी हैबिट्स की भी अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, खसूसी तौर पे हिंदुस्तान की बात करें या हमारी स्टेट की बात करें, पर यूनियन टेरिटरी की बात करें, कश्मीर में के हिसाब से हमारे मौसम की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा मीट, मुर्गा, पोल्ट्री ये खाना पसंद करते हैं, जो हाई प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का सोर्स रहता है. तो क्या उसमें भी डाइटरी मॉडिफिकेशन से भी आपका एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड में फर्क पड़ सकता है? डाइटरी, जैसे आप मैंने पहले ही कहा कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, फूड योर डाइटरी मॉडिफिकेशन इज द बेडरॉक ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि ये पिलर है एक ट्रीटमेंट का, जिसे हम कहते हैं परहेज करना। उसमें साल्ट रेस्ट्रिक्शन आता है, उसमें आप अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, जो जो हमारी कार्बोहाइड्रेट इनटेक है उसमें कमती करनी है, जैसे हम कश्मीरी जी में चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, उसकी मिकदार कम करनी है, जी फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स उनकी मिकदार बढ़ानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलड्स, उनकी मिकदार बढ़ानी है, और नमक की मिकदार कम करनी है। तो ये अमूमन सुनने में ये भी आया कि दाल भी जो है वो भी कार्डियक इश्यूज के लिए प्रिस्क्राइब नहीं की जाती दालों में, क्योंकि प्रोटीन हाई होता है, तो क्या उनसे भी फर्क पड़ता है? नहीं, प्रोटीन्स तो हम ले लें, प्रोटीन्स में तो ऑब्वियसली प्रोटीन ले लें हम, प्रोटीन्स में कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोटीन्स प्रेस्क्राइब करते हैं, रेड मीट्स हम वी ट्राई टू अवॉइड, So एंड fatty, वाइट we मीट can talk about lean meat खाया जा सकता है, lean खा सकते हैं, वाइट proteins. मीट, चिकन वी कैन टेक, फिश वी कैन टेक, लेकिन जो हम कश्मीरी में चिकन तल के खाते हैं, सॉरी मी फिश तल के खाते हैं, इट्स बेटर टू अवॉइड, बिकॉज यू नो जी इफ वी डीप फ्राई फिश, उसमें बहुत सारा वो ऑयल के जो जी कोलेस्ट्रॉल ऑयल ऑयल की भी होता अगर बात करें डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत पेशेंट्स आते होंगे, वो कहेंगे हम कुछ नहीं खाते मगर ऑयल फ्राई जो यूज होता है, ऑयल में भी एक बहुत वो लोगों में रहता है कि कोई कहता है ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, कोई कहता है राइस ब्रान ऑयल अच्छा है, कोई कहता है आप कनोला खाइए, कोई कहता है नहीं आप ये, तो जो भी जो उनका भी हम कोई असर प्रिस्क्राइब रहता है? जो भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स, दे आर गुड, तो उसमें भी हमने ये एक चीज देखनी है कि मिकदार, देयर शुड बी
मॉडरेशन इन एवरीथिंग, वी शुड नॉट यूज एक्सेस। जैसे अगर हम वेजिटेबल ऑयल भी ले लें, वो उसमें भी चीज़ें तल के खाएं, एंड यूज लॉट ऑफ वेजिटेबल ऑयल, दैट ऑल्सो इज नॉट गुड। तो आइडियली वी प्रिस्क्राइब मे बी 10 to 15 ml फॉर वन पर्सन इन 24 आवर्स। So the brand doesn't matter. You should talk about the वेजिटेबल quantity. ऑयल, जी, vegetable oils की quantity. we should avoid ghee, and especially we should avoid dalda, those vanaspati ghee and everything, जी 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 they are जी not heart healthy। but they say that देसी घी जो है वो बेहतर होता है, उसमें कुछ विटामिन डी का मिकदार होता है और वो स्ट्रेंथन करता है आपके कार्डियक मसल्स को. क्या वो सच है, हकीकत है, या सिर्फ कही नहीं, सुनी ऐसा तो बातें हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। जी विटामिन डी हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। जी जैसे विटामिन डी, वी कैन टेक विटामिन डी फ्रॉम अदर सोर्सेस। द बेस्ट थिंग इज टू सिट इन द सन, एंड वी जी कैन गेट विटामिन डी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे नाजरीन के हवाले से एक सवाल आया है. जावेद साहब पूछ रहे हैं कि व्हाई आर कार्डियक पेशेंट्स प्रिस्क्राइब एनआरएस ड्रग्स दीज डेज. What is NRS drugs? I don't know exactly what he's asking. He says every doctor is prescribing in Kashmir NR drugs without any proper reason for long, long time. And I believe NRS drugs, he's talking about substance, soft substance drugs. No, what are they? I can't understand this question. Let me just check if the person is reading this question, because he says there are some narcotic drugs. They are that's called a substance abuse also. That's what the person is saying. So I think No, we can he can elaborate. Cannabis and stuff like that. they Hemp, are cannabis, are they prescribed? contraindicated. They should not be prescribed. I think no doctor should, this is my advice, no doctor should prescribe drugs which are not, there are definite guidelines for treatment of heart disease patients. So whatever drugs a doctor prescribes, they should be as per the guidelines, as per the task force recommendations. No other drug should be, no unnecessary drug should be prescribed. Leave alone, no habit forming drug should be prescribed to heart disease patients. I guess that was what he was trying to ask, because No, they people are not indicated, here they say. should not be जी prescribed. जी एक और सवाल आ रहा है. हाउ बिग इज द चांस ऑफ कार्डियक अरेस्ट टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? हाउ बिग इज द चांस? दिस इज एस जे गोहर साहब. See, so far as depression goes, depression is a risk factor for somebody getting a heart attack. जैसे अगर कोई depressed है, obviously he will be smoking. जी Obviously he will not be physically active. So all these factors add up. And if somebody is depressed, he gains weight, and if he has family history of diabetes, he gets an early diabetes. So, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है, जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, उनके इफेक्ट्स भी हार्ट पे ठीक नहीं है। दे कैन कॉज डिफरेंट रिदम एबनॉर्मैलिटीज, एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटी डिप्रेशंस इज सम दे कैन गेट फेटल एरिथमियाज, एंड दे कैन ऑल्सो कॉज कार्डिक अरेस्ट। एक और सवाल आ रहा है मीर सरीर अहमद साहब की तरफ से कि गार्लिक का यूज और एक्सरसाइजेस, कुछ इससे भी फायदा रहता है आपकी हार्ट की हार्ट सपोर्ट के लिए? देखिए, जहां तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, एक्सरसाइज हैज बीन ए प्रोन, इट इज ऑफ प्रोन बेनिफिट। गार्लिक, देर इज नो स्टडी शोइंग दैट गार्लिक इम्प्रूव्स योर हार्ट हाँ, हेल्थ, समझे. और बट इट डजेंट कॉज एनी हार्म ऑल्सो। सो समबडी टेक्स अ गार टेक सम क्लोज ऑफ गार्लिक, डजेंट मैटर, ही कैन टेक इट, बट देर इज नो प्रोन बेनिफिट ऑफ गार्लिक ऑन हार्ट हेल्थ। सो फार एज एक्सरसाइज गोज, यस, एक्सरसाइज, देर इज अ प्रोन बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन हार्ट हेल्थ।
वेन वी टॉक अबाउट हार्ट हेल्थ, तो बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी या हम लोग कहते हैं कैथेटर बेस्ड इंटरवेंशंस, ये तीन अलग तरह के इंटरवेंशंस हैं या क्योर की बात करते हैं. हाउ एडवांस्ड इज वन फ्रॉम दी अदर और किसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं? क्योंकि किसी केस में ये हालात हो जाते हैं कि आप सिवाय सीएबीजी के यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द पेशेंट, बट कुछ केसेस इतने माइनर होते हैं कि आप वहां पे ये जो आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी करते हैं वही कर सकते हैं. सो हाउ डू वी इन्फर फॉर फॉर दैट मैटर? एज बेस्ड होता है, हार्ट की सिचुएशन बेस्ड होता है, हाउ डू वी टेक दैट कॉल? देखिए, पहले तो मैं ये एक चीज बताऊं कि व्हाट इज प्रैक्टिकल। जैसे किसी बंदे को हार्ट अटैक आया, जी उसमें तो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी इश्यूज, यू हैव टू अरेंज द थिएटर, देन देयर आर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि पेशेंट ने ब्लड थिनर्स ली होती हैं। सो जो ही आप काट देते हैं, ही विल ब्लीड टू डेथ। तो जी जो भी पेशेंट हार्ट अटैक का आता है, उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट है, इफ ही कम्स इन टाइम, इस कैथेटर बेस्ड इंटरवेंशन, जिसे हम एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग प्रोसीजर कहते हैं। जैसे मैं, यू नो, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू, आई वाज यस बिजी विद अ पेशेंट, ही हैड अ यंग मैन हैड अ हार्ट अटैक एंड ही हैड टू आई हैड टू डू एन एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। सो दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड प्रूवन बेनिफिट इसका। एंड सो डू वी स्ट्रेट अवे नाउ गो फॉर एंजियोप्लास्टी या एंजियोप्लास्टी से पहले एक स्टेप होता है एंजियो? अगर 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 हार्ट अटैक का पेशेंट टाइम में आता है, इफ ही कम्स अर्ली, ही गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट इफ वी परफॉर्म एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंजियोप्लास्टी इज ए ट्रीटमेंट। तो ये स्टेप पहले है, पहले एंजियोग्राफी कर लेंगे, उसके बाद हम एंजियोप्लास्टी कर लेंगे। ठीक है? जी नाउ सो फार एज बाईपास सर्जरी को, बाईपास सर्जरी के बेनिफिट्स भी हैं, प्रोज भी हैं और कॉन्स भी। मैं पहले प्रोज गिन लेता हूं कि क्या एडवांटेजेस है। मान लीजिए, अगर कोई डायबिटिक है और उसमें एक्सटेंसिव डिजीज है, तीनों हार्ट में तीन वेसल्स हैं, तीनों वेसल्स में डिजीज है, और हार्ट की एक मेन वेसल होती है जिसको लेफ्ट मेन वेसल कहते हैं, लेफ्ट मेन भी इन्वॉल्व है, तो उनमें बाईपास सर्जरी देखा गया है कि इट दीज पेशेंट्स डू बेटर इफ वी ऑफर देम कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। व्हाट आर द डाउनसाइड्स? डाउनसाइड्स ये है कि यू विल हैव टू ओपन द चेस्ट, पेशेंट हैज टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड देन देयर इज अ रिस्क ऑफ बाईपास सर्जरी। दिस नॉट ए जीरो रिस्क सर्जरी। तो अगर इनमें हम स्टेंट डालेंगे, स्टेंटिंग करेंगे, तो द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ स्टेंटिंग आर नॉट दैट गुड। सो दीज आर जी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेंटिंग। लेकिन अब जो नए टेक्निक्स आए हैं, जैसे हम इमेजिंग करते हैं, अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं हार्ट की, जो दिल की नसें हैं उसको हम कहते हैं जी इंटरवास्कुलर अल्ट्रासाउंड, या ओसीटी करते हैं, जो इमेजिंग करते हैं, अंदर से हम देख लेते हैं कि। जी तो अगर हम इमेज गाइडेड स्टेंटिंग करते हैं, तो इनका रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। सो स्टेंटिंग प्रोसीजर्स, तो अभी क्या देखने में आया है, सो एज टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व, एज वी हैव गॉट बेटर स्टेंट्स, एज वी हैव गॉट न्यूअर ड्रग्स, बेटर इफेक्टिव ड्रग्स, तो स्टेंटिंग प्रोसीजर्स अब जो पेशेंट्स जिनमें एक्सटेंसिव डिजीज है उनमें भी कर लेते हैं, उनमें भी अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। सो आपकी एज और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है, क्या वो भी डिटरमाइन करती है कि आप सीएबीजी के लिए केपेबल हैं या आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरवेंशनल बेस्ड ही ऑप्शन लेनी चाहिए? आप मान लीजिए एक बुजुर्ग है, उसकी एज है 75, उसको डायबिटीज भी है, उसको लंग डिजीज भी है, जी ऑब्वियसली बाईपास सर्जरी ही कैन नॉट विथस्टैंड, देर आर मोर रिस्क ऑफ। तो उनमें हमारी, यू नो, चॉइस यही रहती है कि
नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट उनको ऑफर करें। जी, आजकल तो के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जैसे कोविड इज ऑन द राइज, कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी हार्ट डिजीज या हार्ट डेथ्स, एसोसिएटेड डेथ्स जो हैं, दे आर ऑन द राइज। अगर हमारे पास मान लिया जाए कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी वॉल्व रिप्लेसमेंट हुई है या सीएबीजी हुआ है, तो उनको जो दवाइयां दी जाती हैं, द ब्लड थिनर्स और द एंटीकोगुलेंट्स दैट दे यूज, आई थिंक दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वंस। एस्पिरिन इज गिवन टू नॉर्मल पेशेंट्स और वी गिव फॉर दीज सीएबीजी पेशेंट्स और वॉल्व रिप्लेसमेंट केसेस, आई थिंक वॉरफेरिन एंड एसिट्रॉम इज एडवाइज। तो क्या इनका ट्रीटमेंट और कोविड ट्रीटमेंट में कुछ फर्क पड़ता है? बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट सिवियर केसेस ऑफ कोविड, पीपल हु हैव दीज अदर डिजीजेस एसोसिएटेड विद कोविड एंड यू नो दे आर गिवन स्टेरॉइड्स, सो क्या उनको कुछ डिफरेंस रहता है उनकी बॉडी रिएक्शन से? बिकॉज देन द डेथ केसेज आर ऑन अ हाई, सो इज देयर अ कोरोलरी और इट्स जस्ट वन एंड ऑड केस? जैसे मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, यू वांट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन हाउ कोविड हैज इम्पैक्टेड द हार्ट डिजीज पेशेंट्स देयर जी ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाट यू जी वांट। जी जहां तक कोविड का ताल्लुक है एंड इट्स रिलेशन विथ हार्ट डिजीज पेशेंट्स, देर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ इट। एक ये है कि कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ कैन कॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट। सो इन सम कोविड पेशेंट्स देर कैन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट मसल, उसको कहते हैं मायोकार्डाइट्स। दैट्स अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड एंड देर इज अ हाई रिस्क ऑफ दीज पेशेंट्स नॉट मेकिंग इट। So if a COVID patient gets heart involvement, heart muscle involvement, ये भी देखा गया कि COVID patients में उनमें ब्लड क्लॉटिंग होती है। सो इफ द ब्लड क्लॉट्स इन द हार्ट वेसल, इट कैन कॉज हार्ट अटैक। जी इफ द ब्लड क्लॉट्स इन द लंग्स, इट कैन कॉज पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, वो भी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ कोविड। द अदर एस्पेक्ट ऑफ कोविड इज इफ पेशेंट हैज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड हार्ट डिजीज, हाउ डज कोविड इम्पैक्ट। इफ अ पेशेंट विथ हार्ट डिजीज, वट एवर हार्ट डिजीज ही हैज, ही मे हैव हार्ट फेलियर, ही मे हैव हार्ट अटैक इन द पास्ट, ही मे हैव वैल्वुलर हार्ट डिजीज, ही मे हैव हार्ट डिजीज बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन, what we call hypertensive cardiovascular, if such a patient gets COVID, एक तो ये COVID infection ज़्यादा इनमें ज़्यादा chances होते हैं COVID infection लगने के, और जो COVID infection इनमें लगता है उसके complicated COVID इनमें ज़्यादा chances होते हैं। यानी कि if the fatality rate of COVID patient, COVID infection in a patient who has an established heart disease is more than in a patient who doesn't have an established heart disease. So patients with heart disease, उनमें COVID, एक तो COVID के COVID infection के chances ज़्यादा हैं, और अगर COVID infection हो गया, complicated COVID, serious COVID होने के chances ज़्यादा हैं। जी, जो मैं सवाल पूछ रही थी एंटी कोगुलेंट्स, क्योंकि आपने कहा कि इनको कोगुलेशन या क्लॉटिंग होती है, तो वो एंटी कोगुलेंट्स की नहीं, 3 क्लासेस हैं, नहीं, वॉरफेरिन, नहीं, एसिट्रॉम, नहीं, नहीं, एस्प्रिन, डज दैट मेक नहीं, एनी डिफरेंस? एस्पिरिन इज नॉट एन एंटीकॉगुलेंट। ओके एस्पिरिन इज अ ब्लड थिनर, वो एंटीकॉगुलेंट नहीं। ओके तो जो कोई भी पेशेंट कोविड के मर्ज में मुब्तला हो, उनमें तो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ब्लड क्लॉटिंग हुई है कि नहीं। अगर ब्लड क्लॉटिंग हुई है, उन ब्लड टेस्ट से पता चलता है, तो उनमें एंटीकॉगुलेंट्स देते हैं। एंटीकॉगुलेंट्स के दो तीन टाइप्स हैं। एक होते हैं जो ऑरल एंटीकॉगुलेंट्स और विटामिन के एंटागोनिस्ट उनको कहते हैं, जिसमें वारफरिन और एस्ट्रोम आता है। दूसरा ग्रुप है जिनको हम कहते हैं नॉवल एंटी ऑरल जी एंटीकॉगुलेंट्स।
जिसमें वो नए सारे हैं, जिसमें रिवरॉक्सबान, एपिक्सबान ऐसी ड्रग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और तीसरी किस्म के एंटीकोगुलेंट्स हैं जो हम जो इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, उनमें अगेन देर आर टू टाइप्स, एक कन्वेंशनल हेपरिन्स देते हैं और लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन्स देते हैं। तो ये सारी ड्रग्स हम दे सकते हैं कोविड इन्फेक्शन में, अगर हमें ये पता चले ब्लड टेस्टिंग के माध्यम से कि वहाँ देर इज एन देर इज देर आर साइंस ऑफ और देर इज एविडेंस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द बॉडी, तो उनमें जी ऑरल एंटीकॉगुलेंट्स देते हैं, ऑरल जी एंटीकॉगुलेंट्स, और वी कैन इवन गिव दिस इंजेक्टेबल्स इंजेक्टेबल एंटीकॉगुलेंट्स। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल जावेद सूफी साहब ने पूछा है कि व्हाट इज द आइडियल वेट और बीएमआई फॉर गुड हेल्थ हार्ट हेल्दी हार्ट। आइडियल वेयर तो मैं यही कहता हूँ, सो यू कैन गो टू नेट एंड फाइंड आउट, बट हाइट अगर आप किसी की मान लीजिए 6 फुट 6 इंच है, तो 66 kg शुड बी हिज वेट। लेकिन एक चीज़ पाई गई है जो सब कॉन्टिनेंट में, जो साउथ ईस्ट एशिया में, वी कॉल देम लीन अनहेल्दी, उनका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं होता है लेकिन जो उनकी पेट है वो निकल जाती है, टमी। जी, सो दिस ओबेसिटी, जो पेट में जो चर्बी जमा होती है, दिस इज नॉट गुड फॉर हार्ट। हार्ट हेल्थ जी तो आराम। somebody has to if somebody has to lose weight, he should measure his belt size and try to reduce his fat in the abdomen. इन द एब्डोमिनल एरिया जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया क्लॉटिंग के हवाले से कि कुछ मेडिसिन मार्केट में ऐसी भी हैं जो 8 से 10 घंटे में असर कर जाती हैं और पेशेंट डज नॉट नीड एनी फर्दर इंटरवेंशन, डी क्लॉट हो जाता है। कुछ ऐसा भी है क्या? ये सिर्फ रूमर है? कोई स्टडीज हैं, क्लिनिकल स्टडीज टू सपोर्ट दिस? क्लॉटिंग फॉर व्हाट? व्हेन वी टॉक अबाउट क्लॉटिंग, जिसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग की बात अगर हम कर रहे हैं, तो दे आर सेइंग दैट देर आर सम मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट। किसी ने बोला है कि 8 से 10 घंटे में ही आपको वो दवाई खा लेनी चाहिए अगर आपको ब्लड ब्लड क्लॉट कहीं डिटेक्ट हुआ है। सो उस पॉइंट से 8-10 घंटे में अगर कोई दवाई खा लेते हैं, सबलिंगुअल दवाई है शायद से, तो उससे कोई फर्क पड़ सकता है? आपको फिर फर्दर ऑन कोई सर्जरी की या इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है? इज देयर एनी क्लिनिकल स्टडी विद रिस्पेक्ट टू दिस? नहीं, ये तो आई थिंक दिस एन एस्टेब्लिश फैक्ट के जब हार्ट अटैक आए, वी कॉल इन टेक्निकल टर्म्स दैट टाइम इज मसल, वी हैव जस्ट विंडो पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में कर जो कुछ करना है। अगर आप इफ यू वांट टू गिव मैक्सिमल मैक्सिमम बेनिफिट टू द पेशेंट, जो भी ब्लॉक आया है वो 1 घंटे के अंदर अंदर निकालना है। अगर आपको मैक्सिमल बेनिफिट देना है पेशेंट को, जो जो आप टाइम डिले करेंगे 6 घंटे के आगे, तो एवरीथिंग इज डेड, हार्ट का जो मसल है वो सारा मर जाता है। देन आफ्टर 6 to 8 आवर्स वी डोंट गेट मच बेनिफिट। तभी हम कहते हैं हार्ट अटैक जब भी व्हेन एवर यू सस्पेक्ट, व्हेन एवर अ डॉक्टर सस्पेक्ट्स अ हार्ट अटैक, फर्स्ट थिंग ही शुड डू इज गिव द मेडिसिन विच डिजोल्व द क्लॉट, जो क्लॉट को इंक्रूसिव फॉर्बिट्रेट आइसोसॉर्बिट्रेट, समथिंग लाइक दैट, कुछ होती है मेडिसिंस में? नहीं, दैट्स नॉट द मेडिसिन। सो आई थिंक ए फिजिशियन और अ डॉक्टर ही नोज वॉट टू डू। तो सेल्फ मेडिकेशन इसमें आई थिंक आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट, लेकिन जो भी ब्लड क्लॉट बस्टर्स हैं, क्लॉट बस्टर्स इनको कहते हैं जी टेक्निकल लैंग्वेज में, उसमें एस्प्रिन आते हैं, बहुत सारी और दवाइयाँ हैं, एंड देर आर सम इंट्रावेनस मेडिकेशन जो इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज इफ द फैसिलिटीज आर अवेलेबल, if the patient lives near a hostel where there is a cath lab and there is
there are facilities for angiography and angioplasty and stenting. The best treatment for heart attack is angioplasty. And that, yeah, as early, as quickly as possible. That's for heart attack patients. डॉक्टर साहब एक और सवाल आया जूनियर डॉक्टर्स के हवाले से. दे आर आस्किंग अगर पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में देयर इज एन इमरजेंसी एंड अ जूनियर डॉक्टर इज अटेंडिंग टू सच केसेस, व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आई गेस यू ऑलरेडी आंसर दैट दे शुड गो फॉर एन एको टेस्ट और ईसीजी एंड ट्राई गिविंग मेडिकेशन. नहीं नहीं नहीं, इफ यू आर सस्पेक्टिंग अ हार्ट अटैक डू एन ईसीजी. इफ देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर इज अ गुड सोशल मीडिया पे वो अपलोड करें. देर इज वन सेव हार्ट इनिशिएटिव, जस्ट अपलोड इट ऑन द सेव हार्ट इनिशिएटिव. देर आर क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड यू कैन अपलोड द ईसीजी एंड यू विल गेट इन नो टाइम यू विल गेट द एडवाइस एंड how to manage that patient. So just जी. upload your ECG and the clinical history of the patient on social media. जी. On social, on Save Heart. There save is a Save Heart. Okay. The Save Heart is an option wherein you can check and see what save is. Heart initiative. Yeah, this is a group of. Dr. Sir, एक और आखरी सवाल जो है नाज़रीन से आया है कि stenting cost की बात करते हैं जब हम लोग angio प्लास्टिक की बात करते हैं तो स्टेंटिंग कॉस्ट हमारे शहर में बहुत हाई है कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स इन इंडिया. सो उसके हवाले से कोई रोशनी डाली जा सकती है कि यहाँ पे इतना हाई क्यों है इवन दो इंटरवेंशनल ऑप्शंस आर बेटर दैन ओपन हार्ट एंड बाईपास एंड वॉल्व रिप्लेसमेंट बट स्टिल द कॉस्ट प्राइस इज सो हाई फॉर अ कॉमनर टू ऑप्ट फॉर इट. What? Why is that? Or is there some initiative taken by the doctors' fraternity or by the government wherein people who cannot really afford this but they don't have a choice they can refer to? Ya kuch us hawale se aap bata sakte hain? Nahi, I will tend to disagree with you. Yahan par stenting ke jo cost hai wo bahut kam hai as compared to it is I think if you get a stenting procedure in Delhi it will be 3-4 times in the cost. तो आई डिसएग्री विद दिस कि यहाँ पर प्राइसेस ज्यादा हैं. दूसरी चीज ये है कि या देर इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव. अभी देर इज एन गवर्नमेंट इनिशिएटिव. पेशेंट्स को एक कार्ड मिला है, गोल्डन कार्ड. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एलिजिबल फॉर इट. इफ पेशेंट कैरीज अ गोल्डन कार्ड एवरीथिंग इज डन फ्री. तो कम से कम प्रोसीजर इज डन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन फ्री. ओके. So valve replacement, be it stenting options or be it anything else, if you have a golden card, things get free for you. Ya koi percentage margin hota hai jo free hota hai? Nahi, almost free. It is done almost free of cost in private hospitals. Okay. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप अपने बिजी स्केड्यूल से आप थके हुए थे, आपने मुझसे जब बात की और आपने आके हमारे नाजरीन को इन क्वेश्चंस का जवाब दिया और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन आप लोगों से भी बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आपके जितने सवाल आपने हमें भेजे थे उनके जवाब आप तक पहुंचे और आप मुतमईन रहे. आज के लिए हम लोगों को इजाजत दीजिए. हमारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल को सब्सक्राइब, लाइक करिए. अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो इंशाल्लाह हम हेल्थ लाउंज के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और दोबारा जो हमारे साथ नए स्पेशलिस्ट होंगे उनसे कोशिश करेंगे कि आपके नए सवाल का जवाब पूरी तौर पे आपको मुतमईन करने के हिसाब से हासिल कर सके. फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़.